Good evening, everybody, to Abicom Financial Markets, Semester 5 Business Ethics and Corporate Governance, myself, Dr. Vijay Mahida. Yesterday, and before that also, we have already started with the subject Business Ethics and Corporate Governance. In the first lecture, we have already discussed about what is the meaning of ethics and what are the features of ethics. In the last lecture, we discussed about the role of a board of director, who is an independent director, what is the role of a chairman, and what are the various committees under board of the company. Yes, we already discussed about that. Today, we are going to discuss about, in the lecture number 3, we are going to discuss about scope of business ethics. Business ethics kya kya cover karta hai? Kaun se area mein hame business ethics ko follow karna hai? And the second thing which we are going to discuss is about explain the various myths about ethics. Myths ka matlab hota hai ki gair manyata. Myths ka matlab hota hai ki galat fahmi. Misunderstanding about the topic. Wrong perception of the people about the business ethic. Business ethic ko jo log galat tarike se sochte hai, yani jisko business ethic ka asli matlab nahi pata hai aur kuch bhi statement dete hai, to wo myths, galat manyata, misunderstanding, wo sab aaj hum dur karenge. Are you ready? Good. Dear students, basically जब हम बात करते हैं business ethics की, तो business ethics में हमेशा दो रास्ते दिखते हैं, क्या सही है क्या गलत है. सिंपल सा लॉजिक है, लाइफ जीने का तरीका सही और गलत के बीच में फैसला. You have to define what is right and what is wrong. Life is made up of lot of decisions. जिंदगी के हर मुकाम पे, हर पहलू पे, हर स्टेज पे हमें बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं और यह हर एक डिसीजन से हमारी लाइफ चेंज होती है. टेंथ पास हो गया, क्या करना है? आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स. कॉमर्स करना है, ओके. कौन सा कॉलेज में जाना है? ठीक है, ये कॉलेज में जाना है, ओके. ट्वेल्थ पास हो गए, ठीक है, अब क्या करना है? बीकॉम, बीबीआई, बीआईएम, बीटीएम, बीएमएस या फिर बीएफएम. डिसीजन लेना है, ठीक है, ये लेना है, कहाँ पे करना है, कौन सा कॉलेज में करना है. लॉट ऑफ डिसीजन. हर लाइफ के हर मोड़ पे यू हैव टू टेक अ डिसीजन, यस और नो, राइट एंड रॉन्ग, टू बी हियर नॉट टू बी हियर. द बेसिक इज टू बी एंड नॉट टू बी. सी, यू कैन नॉट बी हैफ हैजर्ड विद समबडी. फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई फ्रेंड है, आपको बोलता है कि मुझे उसको मारने जाना है, चल मेरे साथ, आता है क्या? तुम अगर ऐसा आंसर दोगे, आना तो मैं चाहता हूं, तू मेरा दोस्त है, तुझे ना नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं किसको मारना नहीं चाहता. तुम यहाँ पे आना भी चाहते हो, नहीं भी आना चाहते हो, ऐसा मत करो. क्लियर बोल दो, तू मेरा दोस्त है, कितना भी पक्का दोस्त है, बट तू जो काम करने जा रहा है वो गलत है, ये गलत काम है, मैं तेरे साथ में नहीं है. इसको कहते हैं एथिक्स. Don't try to confuse the people. If you are with or you are not with, to be and not to be. आप लोगों ने एक मराठी मूवी आई थी, बड़ी सुंदर मूवी थी, नट सम्राट. इस मूवी के अंदर आपने देखा होगा जो उसका हीरो है, नाना पाटेकर साहब की बात कर रहा हूं मैं, उसका हीरो जो है वो कहता है, इस स्टेटमेंट को यूज करता है, टू बी और नॉट टू बी. या तो तुम मेरे साथ हो या तो नहीं हो, या तो मैं तुम्हारे साथ हूं या तो नहीं हूं, मैं आधा हूं आधा नहीं हूं, ऐसा नहीं हो सकता. तो एथिक भी यही कहता है, यू मस्ट नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, टू व्होम वी हैव टू बी एंड टू व्होम वी डोंट बी. अगर हम किसी के साथ है तो 100% है, अगर हम नहीं है तो 100% नहीं है. डोंट जस्ट दिखावा मत करो, इसको कहते हैं एथिक. आपको टेस्ट करना है कि आपके अंदर एथिक आपका जिंदा है या नहीं है, आपको चेक करना है. फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रेन में खड़े हो, दरवाजे के पास, एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे आपकी ट्रेन खड़ी है, यू आर एट द डोर. सामने के ट्रैक में एक पर्सन चल रहा है, ट्रैक पे चल रहा है, और वो पर्सन आपका दुश्मन है, कभी पुरानी दुश्मनी थी आपकी, बहुत बड़ी दुश्मनी थी आपकी, और वो ट्रैक पे चलते जा रहे हैं, पीछे से ट्रेन आ रही है,
पीछे से ट्रेन आ रही है, लेकिन वो जो पर्सन वहां पे चल रहा है उसको पता नहीं है कि पीछे से ट्रेन आ रही है। वो चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, हेलो ट्रेन आ रही है, वो चलते जा रहे हैं। तू दरवाजे के पास खड़ा है, ट्रेन के अंदर दरवाजे के पास, ट्रेन को तूने देखा, वो पर्सन को देखा। पहले तो पर्सन को देख के तूने दो चार गाली दी, यही ये सारा मेरा दुश्मन नहीं, अभी क्या कर रहा है। लेकिन तेरा तुरंत ध्यान गया पीछे ट्रेन के ऊपर, तूने तुरंत तेरा दिमाग चल गया, अरे ये अगर इधर से हटेगा नहीं, इधर से दूर नहीं जाएगा तो इसका एक्सीडेंट हो जाएगा, वो मर जाएगा। इवन दो वो तेरा दुश्मन है, लेकिन फिर भी तेरे अंदर से एक आवाज निकल जाएगी, भाई साइड में जा, तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। जब तेरे अंदर से आवाज निकलती है ना, मतलब समझ जाना कि तेरे लाइफ में एथिक जिंदा है। अगर ये आवाज निकलने को तेरे को मन नहीं किया ना, ऐसा तूने सोचा ना कि मन में देने क्या फर्क पड़ता है, मेरा दुश्मन तो है, तो समझ जाना तेरी लाइफ में से तेरा एथिक मर गया है। तो तेरे में और एविल में, राक्षस में कोई फर्क नहीं रहा है। आई होप यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, तू और शैतान फर्क नहीं रहा है। अगर तू अच्छा बंदा है, सही बंदा है, एथिकल बंदा है, तो तू कभी किसी का बुरा नहीं चाह सकता। कोई तुम्हारा कुछ भी चाहे, अच्छा बुरा है, वो उसकी सोच है, लेकिन तुझे क्या करना है, तुझे अच्छा सोचना है। That is what the business ethic is all about. Business के अंदर भी हम जब भी business करते हैं तो हम किसी को फंसाने के लिए नहीं करना चाहिए। दो पैसा ज्यादा कमाने के लिए किसी अच्छे पर्सन को जिंदगी भर तक मत खो। आज कम कमाएगा, कल कम कमाएगा, एक दिन आएगा तो अच्छा कमाएगा उसी के साथ। So, जिंदगी में दो ही इंपॉर्टेंट मैटर है, what is right and what is wrong. इसलिए मैंने स्लाइड पे आके रुक गया, इसलिए क्वेश्चन मार्क है, तेरा चॉइस है वो, तुझे किस तरफ जाना है, सही या गलत। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, यस और नो? यस, मे आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ? ओके दोस्तों, स्कोप ऑफ बिजनेस एथिक, एथिक कहां कहां पे लगता है? एथिक कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट में हर जगह पे लगता है। एक सिंपल सा पहला जो केस है, हम कहते हैं एथिक इन कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब होता है टू फॉलो द नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशन ड्राफ्टेड बाय द गवर्नमेंट। दोस्तों, क्या आप इंडियन कंपनी एक्ट 1956 को ब्रेकअप कर सकते हो? हेलो, आवाज नहीं आ रही मेरी? कैन यू हियर मी? आनंद माली हैज अ क्वेश्चन। ओके आनंद, प्लीज करेक्ट योर हेयरफोन सो यू कैन एबल टू लिसन मी। ओके, सो एथिक्स एंड कंप्लायंस, आप लोगों को गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। यू आर नॉट अबव द लॉ, कानून से बड़ा कोई नहीं है। इंडियन कंपनी 1956 इसके दायरे में लेके बिजनेस करना है। अगर आप लोग शेयर मार्केट की बात करते हो तो यू हैव टू डील अंडर द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर आप बैंकिंग रेगुलेशन की बात करते हो तो यू हैव टू फॉलो द आरबीआई एक्ट। कोई भी बिजनेस करने में, कोई भी डीलिंग करने में आपको कंप्लायंस, कंप्लायंस का मतलब होता है टू फॉलो द नॉर्म्स, प्रोसीजर, रेगुलेशन, स्टैट्यूट्स। स्टैट्यूट का मतलब होता है गवर्नमेंट नॉर्म्स। गवर्नमेंट कोई नया जीआर यानी गवर्नमेंट रेजोल्यूशन बनाती है, यू शुड नॉट चैलेंज इट, यू मस्ट एक्सेप्ट इट एंड एक्सेप्ट एंड गो अहेड। सो व्हेन एवर यू आर नॉट ब्रेकिंग एनी लॉ, व्हेन एवर यू आर नॉट ओवरटेकिंग और बाईपासिंग एनी एक्ट, इट मीन्स यू आर फॉलोइंग द एथिक्स। इसी को कहा जाता है एथिक्स इन कंप्लायंस। वो कहते हैं ना कायदे में रहने का, सिंपल। बहुत सारे लोग कोशिश करते कानून तोड़ने की। इट इज अ काइंड ऑफ अ क्राइम इफ यू आर ब्रेकिंग द लॉ एंड डूइंग द बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट इज बैंड द प्लास्टिक पॉलिथिन बैग्स, बट फिर भी आप अपने बिजनेस के अंदर प्लास्टिक पॉलिथिन बैग का ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हो, इट मीन्स यू आर ब्रेकिंग द लॉ, यू आर ब्रेकिंग द रूल्स। Don't do like that. You have to understand and you have to accept the
things properly. Second is ethics in finance. Whenever we speak about the finance, there are two important things. Sources of funds, paisa kahan se aayega, and application of funds, paisa kahan pe use karna hai. Dono area mein money matters a lot. Sources paisa kahan se aayega, application paisa kahan use karna hai. Sources of funds, applications of funds. कोई गलत सोर्स से पैसा लाएगी नहीं ना गलत सोर्स में पैसा यूज करके कल मैंने आपको बताया था इफ यू आर अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी यू शुड नॉट ब्रेक द और यू शुड नॉट यूज द फंड्स ऑफ द कंपनी फॉर द पर्सनल यूज यू हैव टू फॉलो यू हैव टू एक्सेप्ट द प्रॉपर नॉर्म्स व्हिच इज गुड फॉर द कंपनी व्हिच इज बेटर फॉर द कंपनी व्हिच इज प्रोडक्टिव फॉर द कंपनी वही तेरा काम है यू शुड नॉट ब्रेक द रूल यू शुड नॉट ब्रेक द लॉ funds ka misuse nahi karna hai. That is what we can call it as ethics in finance. Then comes ethics in human relations, human resources. When we speak about the human resources, employee ka promotion, employee ka transfer, koi bhi partiality nahi karna. Kisi ko favor nahi karna hai. Jo sahi kaam karta hai, jo liable hai, jo capable hai, जो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी काम करता है जो कंपनी के फायदे में काम करता है जो कंपनी के लिए सोचता है उसी को तू प्रमोट करेगा बाकी कुछ भी प्रमोट नहीं करेगा दैट इज व्हाट वी कैन कॉल इट इज एथिक्स इन ह्यूमन रिसोर्सेज ओके सिलेक्शन करने के टाइम पे कुछ नहीं देखने का गांव वाला पहचान वाला नेबर भाई नो इफ यू आर कंडक्टिंग एन इंटरव्यू यू हैव टू सी राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब यू शुड नॉट do a bias or you can say you should not partial you should be impartial that is what we can call it as ethics in human resources then comes ethics in marketing apna product bechne ke liye dusre ke product ko kharab dikhana isse kya hoga tu kisi aur ko chota dikhane ki koshish karega lekin tu to aage nahi badha tu to wahi pe On the contrary, तुझे ऐसा मार्केटिंग करना चाहिए कि ऑटोमेटिकली तेरे प्रोडक्ट का क्वालिटी तेरे प्रोडक्ट का इंटीग्रिटी तेरे प्रोडक्ट का जो ब्रांड है वो ऑटोमेटिकली लोगों को पसंद आने लगे बिकॉज द प्रोडक्ट इटसेल्फ इज द बेस्ट प्रोडक्ट व्हाई यू आर स्पॉइलिंग द नेम ऑफ अदर पीपल टू मेक यू हायर किसी को छोटा दिखा कि हम बड़े नहीं हो सकते हमारा काम हमें बड़ा करता है हमारा क्वालिटी हमें बड़ा करता है तो मार्केटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया आप देखते हो टीवी के अंदर पेप्सी कोक का मजा करता है कोक पेप्सी के बारे में कुछ भी बोलता है लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या हो रहा है दोनों दोनों का नुकसान हो रहा है क्या करना चाहिए हाँ दूसरे से बेहतर हो बताओ मैं तुम लेकिन तुम्हारा क्वालिटी से बताओ सेकेंड थिंग अपने को बिजनेस पाने के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर को रिश्वत नहीं देना दूसरे कंपनी के मैनेजर को रिश्वत नहीं देना अपना काम चलाने के लिए अपने काम मिलाने के लिए गलत रास्ता नहीं अपनाना डोंट यूज द रॉन्ग वे वंस यू विल पे ब्राइब दे विल बी हैबिचुअल टू टेक द ब्राइब एक बार किसी को रिश्वत दी तो उसको आदत हो जाएगी रिश्वत खाने की सो एथिक्स इन मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कोई भी एरिया हो बिजनेस का मार्केटिंग हो फाइनेंस हो एचआर हो यू मस्ट बी एथिकल The last thing here is the ethics in production. अगर आप मिलावट करके प्रोडक्ट बनाते हो आपका पैकिंग के अंदर वेट जो है वो लिखा है ऊपर पे 500 ग्राम लेकिन है 450 ग्राम और आप पब्लिक को बेच रहे हो आपका पैकिंग बुरा है आपका पैकेजिंग बुरा है पहले का रॉ मटेरियल जहां से लाए वो बोला कुछ और लाए कुछ और मिलावट वाला इट मीन्स यू आर चीटिंग द पीपल To make some kind of profit, you are cheating with the people. You should not do this. You should use the good quality machine. You should use the standard machine. You should use the good quality raw material. You should address the people in a proper way. Because you can fool the people once, not always. एक बार किसी को फंसा सकते हो लगातार बार बार नहीं. So these are the various scope of business ethics. Ethics
compliance, follow government norms and as per the government standard, ethics in finance related to the money, ethics in human resources while appointment and employees related, ethics in marketing while selling the goods, and ethics in production, that is during production of goods. You should not follow any wrong practice. If you are with me, say yes in the chat box. So I understand that you are following me here. Yes, Rohan, Preeti, Swapnil, Lalita, Ken. Good. So thank you very much. Point number three. Okay, one second. Rahul Mandal is asking point number three. Ethics in human resource. Yes. Dosto, human resource are the most important resource of the organization. Apne paas capital hai, yani finance. Apne paas assets hai, building hai, property. Apne paas har wo vyavastha hai, jisse business chalega. Lekin usko chalane ke liye jo human resource hai, wo nahi hai, to business nahi chalega. Isliye kaha jata hai, labor is the most active factor of production. Aur yahi labor ke saath hum anyay nahi kar sakte. Main example aur dusra dena chahunga. Aap aapke labor ko salary nahi deke to chalega? अभी सोचो इस लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारे लोगों को पेमेंट नहीं मिला है. आपको पता है उनकी कितनी बुरी हालत है ना? तो हम क्या बोलते हैं, अनएथिकल हो रहा है. ऐसा नहीं होना चाहिए. एटलीस्ट 50% सैलरी तो देना चाहिए. कोई जानबूझ के घर में नहीं बैठा, लॉकडाउन की वजह से बैठा है. समझ में आ रहा है एथिक? फिर इंटरव्यू में सिलेक्ट करने के टाइम पे पैसा खा के किसी को सिलेक्ट करना, अपने गाँव वाले को, अपने पहचान वाले को लेके आना, ऐसा नहीं करने का. इसे करने की वजह से क्या होता है, सही कैंडिडेट अपने हाथ से चला जाता है. अंडरस्टूड? ओके, मे आई गो अहेड नाउ? गुड, थैंक यू. नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया इस टॉपिक में हमें बिजनेस एथिक्स में हमने क्या देखा, अभी थोड़ा सा मैं आप लोगों को कुछ वर्ड्स देता हूं जो जिंदगी में पकड़ के रखना. ये सारे शब्द को कभी जिंदगी से छोड़ना नहीं. आगे बढ़ना है लाइफ में तो ये सारे शब्द को लाइफ में साथ में रखना. और सबसे पहला है ऑनेस्टी. और मैं जब यहाँ पे आपको कहता हूँ कि ये शब्दों को ध्यान से पढ़ो, सो यू शुड नॉट रीड ओनली वर्ड्स, उसके साथ में जो सिंबल दिया गया है ना उसको समझने की कोशिश करो. ऑनेस्टी, आप देख सकते हो यू मस्ट बी अ बैलेंस पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन. आपको न्याय देना है लोगों को, अन्याय नहीं करना है. प्रोटेक्शन, यू हैव टू मेंटेन, यू हैव टू प्रोटेक्ट द पीपल. किसी को फंसाना बहुत आसान है, किसी को संभालना मुसीबत है. इंटीग्रिटी, यू मस्ट बी हैविंग योर ओन इंटीग्रिटी, योर ओन क्वालिटी, योर ओन डिग्री. इसलिए इंटेलेक्चुअल का बात किया, तेरे को जॉब तभी मिलेगा जब तेरे में कुछ स्पेशलिटी है. नेक्स्ट इज डिसीजन, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, मैं पहले बता चुका हूँ. You have to maintain a healthy relation with the people. You can see everybody is good with everyone. Why company aage badhegi when the people have a healthy relation with each other. You must follow the regulation. Maine pehle hi bataya tha, compliance. Relationship ke andar HR aata hai. Decision ke andar production aata hai, HR aata hai. Dekho ye sari cheeze kahin na kahin match hoti hai. Then the most important thing comes is a commitment. Once you are committing somebody means you have to fulfill. Otherwise don't commit. Please avoid if you have a bad habit of giving commitments. Then your behavior should be cordial. Your behavior should be happy-go-lucky. Your behavior should be adjustable. Your behavior should be matching with everybody. And finally, the important word over here is the trust. You know, there are so many people who are asking me, do you trust me? मुझे बहुत बार बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि क्या आप मेरे पर trust करते हो? तो मैं इनको एक उल्टा सवाल करता हूं, क्या आप अपने आप पे ट्रस्ट करते हो? डू यू ट्रस्ट योर सेल्फ? वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, ये मुझे क्या पूछ लिया आपने. उसने मुझे पूछा क्या आप मुझ पर विश्वास करते हो. मैंने उसको सामने सवाल किया, क्या तू अपने आप पे विश्वास करता है? तो 2-5 सेकंड 10 सेकंड वो सोचता है, बाद में ऐसा बोलता है यस मैं अपने आप पे विश्वास करता हूं. अगर तू खुद अपने आप पे विश्वास करता है तो मैं भी तेरे पे विश्वास करता हूं. तो मुझ पर विश्वास करता है?
अगर तू अपने आप पे विश्वास करता है तो मैं तेरे पे विश्वास करता हूँ। द पर्सन जिसको खुद को अपने आप पे ट्रस्ट नहीं है, कौन उस पर क्यों ट्रस्ट करेगा? आपको आपके ऊपर स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट होना चाहिए। इफ यू वॉन्ट टू विन द ट्रस्ट ऑफ अदर, यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ फर्स्ट एंड दैट ऑल्सो स्ट्रॉन्गली। आई होप दिस पर्टिकुलर चैट इज क्लियर टू यू। इफ यू आर विथ मी से यस इन द चैट बॉक्स सो आई कैन गो अहेड। Honesty, protection, decision, relationship, and there are other commitment behavior, trust and all. Thank you very much. दोस्तों, इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो थोड़ा आप लोगों के अंदर की मिसअंडरस्टैंडिंग को और इस दुनिया के अंदर होने वाली मिसअंडरस्टैंडिंग को हम दूर करेंगे, जिसको कहा जाता है मिथ्स। मिथ्स यानी झूठी बातें एथिक के बारे में। लोग बोलते हैं business ethic is more a matter of religion than management. लोग इन myths को यानी ethics को religion के साथ जोड़ते हैं। अब धर्म का और ethic का कोई संबंध नहीं। ethic अपने आप में एक धर्म है। मैं अच्छा इंसान हूँ, मेरा धर्म है। I am a good human being. उसमें मैं कौन से जात का हूँ, कौन से धर्म का हूँ, कौन से ज्ञाति का हूँ, उच्च जाति का, निची जाति का, कुछ मैटर नहीं करता। मैं एक I am a good human being. I am a good soul. That's it. अब रिलीजन का क्या लेने देना है उसमें? एथिक इज एथिक। और मैं तो एक सिंपल सी बात इतना समझता हूँ, इस दुनिया में दो ही कैटेगरी के लोग हैं, एक गुड मैन एक बैड मैन। नाउ यू डिसाइड विच एरिया यू आर गुड और यू आर बैड, यू नो बेटर। दूसरा क्या अपने को जानता है? अपने सच्चे अपने को कौन जानता है? सो एथिक को रिलीजन के साथ मत जोड़ो। बिजनेस एथिक है, बिजनेस एथिक को बिजनेस में रहने दो, उसमें अच्छा काम करो। सो इसलिए उसका एक्सप्लेनेशन ऐसा है, ऑल्टरिंग पीपल्स वैल्यूज और सोल इजंट द एम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी के वैल्यूज को बदलना, किसी की सोच को बदलना, किसी का धर्म परिवर्तन कराना, ये हमारा एम नहीं है। ऑन द कंट्रारी, मैनेजिंग वैल्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग देम, उनके अंदर का वैल्यू मेंटेन रखना और उनके माइंड में चलने वाले झगड़े को, गुस्से को, उनके माइंड में जो नेगेटिव चल रहा है उसको इंप्रूव करना, वो हमारा एम है। उसको कहते हैं बिजनेस एथिक्स। और बिजनेस के अंदर बिजनेस से बड़ा और कुछ नहीं होता। एथिक अच्छा बिजनेस करने के लिए चाहिए। उसमें ना कोई धर्म होता है, ना कोई जात होती है। तो पहला अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया कि बिजनेस एथिक इज मोर अ मैटर ऑफ रिलीजन देन मैनेजमेंट। ये लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है। दूसरा मिथ्स का मैं बात करता हूं। Our employees are ethical. ध्यान से सुनना। Our employees are ethical, so we don't need attention to business ethics. कितनी गलत बात बोली है। ये तो ऐसी बात हो गई, मेरे घर के सारे लोग अच्छे हैं, वो कभी गलती नहीं करेंगे। और जैसे कि पेरेंट को होता है ना, मेरा बच्चा सबसे सही है, उसको पता होता है वो कितना भी गलती करे लेकिन एक ही मान के चलता है, मेरा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता। आपके पेरेंट भी बोलते होंगे, मेरे बेटे का, मेरी बेटी का दिमाग इतना अच्छा है ना, लेकिन वो सीरियसली पढ़ता ही नहीं है। तो वही तो कॉमन सेंस की बात है कि वो पढ़ता नहीं है। मुझे तो इतना समझता है इसमें, अच्छा है बुरा है तुझे मुबारक, तेरा बेटा तेरा प्रॉपर्टी। मेरे को एक सिंगल लाइन समझता है, पढ़ता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर फैमिली मेंबर्स आर गुड, आपका कोई छोटा भाई है, छोटी बहन है, वो सही है, अच्छे, उसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको उसके ऊपर ध्यान नहीं देने का। ध्यान तो देना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट देखो कितना गलत है। अवर एम्प्लॉइज आर एथिकल, हमारे एम्प्लॉई एथिकल है, सो वी डोंट नीड अटेंशन टू बिजनेस एथिक्स। मैं तो ये कहता हूँ आपके एम्प्लॉई कितने भी एथिकल हो या ना एथिकल हो, बिजनेस एथिक तो फॉलो करना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा कि बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये तो वो वाली बात हो गई, दिया तले अंधेरा, दुनिया भर को रोशनी दे रहा है और खुद के घर में अंधेरा है। इन बिजनेस एथिक, इन बिजनेस एथिक्स पीपल आर क्विक टू स्पीक ऑफ द गोल्डन रूल, ऑनेस्टी एंड कर्टसी। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, आई एम ऑनेस्ट, आई एम कर्टियस, बड़ा बड़ा गोल्डन रूल बताते हैं। But in the reality, there is a wide gray area. Gray area का मतलब होता है जो उसका किया हुआ
किसको दिख नहीं रहा है लेकिन ही इज नॉट व्हाट ही सेज. जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं. तो ऐसा मान के मत चलोगे अपने एम्प्लॉई जो अपने सामने अच्छा बोलते हैं सही सही बोलते हैं तो सब सही है. चेक करो. मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको समझ में आया. यस और नो? ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज बिजनेस एथिक इज अ डिसिप्लिन बेस्ट लेड बाय फिलोसोफर एंड एकेडमिशियन. हम क्या मानते हैं जो बुक में लिखा गया है वो एथिक है. बड़े बड़े टीचर है जो हमारे सर भाषण दे रहे हैं वो एथिक है. बड़े बड़े फिलोसोफर जो बोल के गए वो एथिक है. मैं तो बोलता हूँ कि फिलोसोफी और एथिक का दूर दूर तक रिश्ता नहीं है. बचपन से क्लास में टीचर अपने को सब अच्छा ही सिखाते लेकिन उसका गारंटी क्या कि हम अच्छा ही करते. कॉलेज में आपको पता है कि लेक्चर टाइम पे होते लेकिन उसका गारंटी क्या कि तू लेक्चर में ही आता है. घर से तो निकलता है, बैग लेता है, मोबाइल लेता है और बोल के भी निकलता है चलो मम्मी डैडी मैं कॉलेज जा रहा हूँ जा रही हूँ. लेकिन उसका गारंटी क्या कि तू घर से निकल के कॉलेज में ही आया है. तो फिलोसॉफिकल बात मत करो. सच्चाई क्या है? एथिकल मैनेजमेंट प्रोग्राम है वो प्रैक्टिकल अप्रोच. एथिक प्रैक्टिकल वो मानता है इन एडमिनिस्ट्रेशन रादर देन जस्ट फिलोसॉफिकल एंड थ्योरेटिकल. फिलोसॉफी और थ्योरेटिकल बात नहीं करने का, ज्यादा प्रैक्टिकल बात करने का. थिंक प्रैक्टिकली. व्हाटएवर इज फैक्ट यू हैव एक्सेप्ट. अंडरस्टूड? सो दिस इज आल्सो थर्ड मिथ व्हिच आई वांट टू शेयर विद यू. फोर्थ मिथ, बिजनेस एथिक इज अ मैटर ऑफ अ गुड गाइज प्रीचिंग टू द बैड गाइज. एक पर्सन दूसरे को समझाता है मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ इट इज नॉट ऑलवेज गुड बाय प्रीचिंग टू द बैड गाइस समटाइम्स बैड गाइस आल्सो प्रीचिंग टू द गुड गाइस. मैनेजिंग एथिक इन द वर्कप्लेस इंक्लूड ऑल ऑफ अस वर्किंग टुगेदर टू हेल्प ईच अदर. इसमें अच्छा बुरा कोई भी रहेगा अपने को सबको साथ में काम करना है. रिमेन एथिकल. कोई आपके साथ अनएथिकल करता है तो बदले की भावना मत रखो. वो उसके कर्मा है, वो भुगतेगा. तो फिर तुम भी उसके जैसा करोगे तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड दैट बैड पर्सन. रिमेन एथिकल एंड टू वर्क थ्रू कंफ्यूजिंग एंड स्ट्रेसफुल एथिकल डिलेमा. ज्यादा करके स्ट्रेस में कंफ्यूजन में रह के काम करने से अच्छा अपना एक कॉमन स्टैंड रखो कि मुझे अच्छा काम करना है. आई वांट टू डू द गुड थिंग. देखो गुड विल कम टू यू. इफ यू आर इंसिस्टिंग ऑन बदला बैड रिवेंज छोड़ेगा नहीं माफ नहीं करेगा तोड़ देगा फोड़ देगा सॉरी देन यू आर ऑल्सो like that only unethical person. And next thing is ethics can be managed. लोग बोलते हैं एथिक को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है. कौन बोला नहीं कर सकते? क्या तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते हो? कर सकते हो? मैं कर सकता हूँ. It means ethics can be managed. ये लोग झूठ बोलते हैं ethics can't be managed. Ethics is always managed but too often indirectly. For example, the behavior of the organization founder or current leader is a strong moral influence on the behavior of the employee in the workplace. आज example की मैं बात करता हूँ दोस्तों, मैं अभी जो lecture ले रहा हूँ, वो lecture में मैं आप लोगों को business ethic के बारे में ना बात करके ये बात करूँ कि Bollywood में क्या चल रहा है, तो मैं तुम लोगों को lead नहीं कर पाऊँगा. हाँ, तुम लोग सुनोगे मुझे, lecture है सुना, लेकिन lecture के बाद क्या बोलोगे? आज के lecture में अपना topic discuss नहीं हुआ. मजा भी आएगा, टाइम पास भी होगा, सब होगा, लेकिन किसके लिए हम जमा हुए हैं? Why we are meeting today? Why नहीं? तो as a leader, as a founder, it is my duty to check whether things are happening or not. अगर मैं चेक कर रहा हूँ बराबर से, it means ethics are managed. कौन बोलता है ethics managed नहीं होता है? तो ethics can't be managed is also misunderstanding. Next, business ethics and corporate social responsibility are same. लोग क्या बोलते हैं समाज की सेवा करना और बिजनेस एथिक करना सेम है? नो. कंपनी जो समाज की सेवा करता है और एथिक करता है दोनों अलग बात है. समाज की सेवा करना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना एक अलग बात है. राइटिंग अबाउट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफन डू नॉट एड्रेस प्रैक्टिकल मैटर्स. क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी नहीं कि यार प्रैक्टिकल मैटर के ऊपर सोचे इन द वर्क प्लेस. एग्जाम्पल डेवलपिंग न्यू कोड्स डिजाइन formalities, updating policies, procedure, approaching to resolve ethical dilemmas. हर चीज के अंदर एथिक होता है लेकिन जरूरी नहीं कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो. लेकिन एम्प्लॉय को रिक्रूट करने में एथिक चाहिए, उसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है.
तो दोनों का अपना अपना अलग अलग एन है। हाँ, जब हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते, समाज की सेवा करते और समाज की सेवा करते करते एथिकल काम करते, इसलिए यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि दोनों एक है, लेकिन दोनों एक नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। सो बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर सेम, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो गलत बात है। आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। सो दोस्तों, एक बार रिकैप ले लेते हैं आज का। आज का सेशन हमने स्टार्ट किया, हमारा टॉपिक था स्कोप ऑफ बिजनेस एथिक्स, एक्सप्लेन द वेरियस मिथ्स ऑफ द बिजनेस एथिक्स। उसके बाद हमने देखा व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग के बीच में का रास्ता, सही है रास्ता हमें लेना है। स्कोप में हमने देखा एथिक्स इन कंप्लायंस, यहाँ पे मैंने बोला गवर्नमेंट के लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, जो सही है वो करना है, जो सही नहीं है वो नहीं करना है। एथिक्स इन फाइनेंस, पैसे का मामला बड़ा मामला होता है, सीरियस इश्यू होता है, ध्यान से सोचना है, फॉलो करना है। एथिक्स इन ह्यूमन रिसोर्स के बारे में हमने बात की, एथिक्स इन सिलेक्शन ऑफ पीपल, सही पर्सन, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। एथिक्स इन मार्केटिंग व्हाइल सेलिंग द प्रोडक्ट, यू टू फॉलो द एथिक्स। एथिक्स इन प्रोडक्शन, कोई मिलावट वाला काम नहीं करना है, किसी को फंसाने का काम नहीं करना है, सही जगह से रॉ मटेरियल लेके आना है और सही क्वांटिटी पैकिंग करना है। दैट इज व्हाट एथिक्स इन द डिफरेंट एरिया ऑफ द बिजनेस। देन हमने बिजनेस एथिक्स के अलग अलग एरियाज, जो मैंने कहा इस सब चीज को आपको आपके लाइफ टाइम के लिए अपने साथ रखना है, ऑनेस्टी, प्रोटेक्शन, इंटीग्रिटी, डिसीजन, रिलेशनशिप, regulations, commitment, behavior, and trust. Then there are different myths about the ethics. Pehla myth kya tha? Business ethics is a more a matter of religion than management. Log kya bolte hain? Ethic religion hai. Usko management se koi lena dena nahi hai, to galat baat hai. Ethic ko religions mein mat dalo. Focus upon business. Next is our employees are ethical, so we don't need attention to business ethics. गलत बात, हमारे लोग ethical है उसका मतलब ही नहीं कि business में ethics होगा, ही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमारा काम है उसको लेके आना। Next हमने देखा business ethics is a discipline based led by philosopher and academician. जरूरी नहीं कि हर philosopher academician जो बोलता है वो ethical है, वो practical बात नहीं करते, वो theoretical बात करते हैं, philosophical बात करते हैं, पर हमें एथिकल सोचना है। नेक्स्ट इज बिजनेस एथिक्स इज अ मैटर ऑफ गुड गाइस पिचिंग टू द बैड गाइस। इसमें हमने देखा कि हमको सबको साथ में मिलकर काम करना है, ऐसा नहीं कि गुड गाय बैड गाय को गाइड करे या बैड गाय गुड गाय को गाइड करे। इट्स अ वर्क टुगेदर, वी हैव टू डू इन स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट, वी हैव टू फाइट। नेक्स्ट इज एथिक कांट बी मैनेज, जो गलत बात है, एथिक कैन बी मैनेज if it is being properly followed by a leader, जैसे मैंने अपने क्लास का लेक्चर का एग्जांपल दिया, it can be managed. Next, business ethics and corporate social responsibilities are same. नहीं, yeah, corporate social responsibility करने के टाइम हमको बोल सकते हैं कि हम लोग ethically follow कर रहे हैं, but जरूरी नहीं कि it is one and the same. आज का आपका assignment, मैंने questions आपको भेजता हूँ इसके साथ में, definitely. Then you will come to know in the PowerPoint presentation my question आपको उसके साथ भेज दूंगा। So दोस्तों, I hope you understood the topic properly. And if you have any doubt, if you have any queries, if you have any confusion about the topic, just mail it to me. Again, I am telling you, all of you must write down the assignments, क्योंकि it is necessary that you must be with me in all part of your studies. अगर आप लोग सिलेबस पे पीछे रह जाओगे तो it will again disturb you, definitely it will harm you and it will affect your studies. University ने अपने procedure शुरू कर दिए है about admission, within very one or two day you will get the other notification and you have to follow the rules accordingly and go ahead. So with this I am stopping my session. Thank you very much.